ये सवाल दो तरीका से बनेगा। देखिए आपको इसे भी पूछ सकता है कि x का मान निकाले यदि इतना बराबर इतना, यानी कि ये वाला शुरू में दे सकता है और ये लास्ट में दे सकता है, ठीक है। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व करके x का मान निकालना, ठीक है। आपको इतना घसरा नहीं है समझाने के लिए, इसको सॉल्व करना है। तो दो तरीका से बनेगा, तो दोनों तरीका देखते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड देखेंगे, यहाँ पे सेकंड मेथड। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना है ना, तो जिसे सॉल्व करने का रहता है उसको मैं पहले उतारता हूँ, ठीक है। इसको उतार दिया। अब देखिए बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, तो फॉर्मूला याद करना एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। उसको अप्लाई करना, ठीक है, सेट करना एक अलग चीज़ होता है। तो आपको वो आना चाहिए, फॉर्मूला याद करना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होगी जब आपको सेट यानी कि अप्लाई करना आना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने फॉर्मूला तो याद कर लिया बहुत सारा, लेकिन ये किस पर सेट करेगा वही आपको नहीं याद है, तब फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आप माइंड में रिकॉल कीजिए फॉर्मूला सबको, जितना भी आपने याद किया है, और नहीं किया है तो आपको करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन समय आप फंसिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला को जब आप रिकॉल करोगे तो आप पाओगे ये इसके जैसा लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। कैसे, देखिए ए है तो यहाँ पे 23 है, घसना नहीं है इतना, ठीक है, बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि इतना घसना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, बी है तो यहाँ पे 17 है, ऊपर में स्क्वायर तो ऊपर में स्क्वायर, एक ही ऊपर में स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ठीक है 23 17 अलग अलग है, यहाँ भी ए भी अलग अलग है, माइनस है तो माइनस है, ऊपर में 2 2 है यानी कि पावर यानी कि घात, दो है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या सुनो ए प्लस बी इंटू माइनस बी होता है, क्लियर। अच्छा तो अब ए बी के जगह पर एक्स वाई दे दो तो एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, पी क्यू दे दो तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा, कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए 23 17 है तो ए बी है तो ए प्लस बी हो गया, पी क्यू है तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, यानी कि इस पर सेट करेंगे तो आप 23 17 है तो 23 प्लस 17 नहीं हो जाएगा, 23 प्लस 17, ठीक है, इंटू 23 माइनस 17 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना। अच्छा अब देखिए 6x दे देंगे 6x, अब दोनों को जोड़ेंगे तो इजी वाला है ना, ठीक है, तो इसमें पेन नहीं चलाने लगेगा, ठीक है, कि ऐसे करके पेन मत चलाने लगेगा कि 23 है और 17 है तो ऐसे करके 7 3 10 और 2 1 3 4 ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है, इजी वाला चीज है ना, तो इजी में उतना पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट मार दीजिए 40 हो गया, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है तो देखिए 23 में से 17 इजी चीज है। अच्छा देखिए भारी भारी चीज सब आएगा ना, कॉम्प्लेक्स चीज कॉम्प्लेक्स आएगा ना, जोर घटा गुना भाग, तब पेन चलाएंगे तो एक बात समझ में आता है कि चलो भारी है, इजी जी है, बस में उसमें उतना पेन नहीं चलाना, माइंड से कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए दोनों का मन होता है तो गुना कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये बना ऊपर ऊपर दे दीजिएगा, या तो 240 या तो 40 गुना छोड़ो, 240 कैसे, 40 को 600 गुना करेंगे 240 आना, तो वो लिखिए या तो वैसा ही दे दीजिए, ठीक है, फिर नीचे में छो हो गया, ठीक है, इससे ये हो गया कैंसिल, कितना बचा 40, तो 40 बाय 1 तो 1 नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, बात समझे ना, 40 बाय 1 नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, देखिए 40 बाय 1 तो 40 से नहीं हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मान लीजिए गुना करते हैं, देखिए तो 4000 को गुना करते हैं तो 240 हो गया, तो फिर भी x का मान निकालेंगे तो 240 ऊपर में 6 नीचे तो 6 4 24 0 चिपका दीजिए, तो फिर भी तो 40 बटा 1 तो 40 से नहीं हुआ, तो नीचे में एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्लियर। अच्छा तो हो गया, दिस इज आवर आंसर, 40 हो गया आंसर, सेकेंड मेथड देखिए दूसरा तरीका, 6x दे देंगे फिर यहाँ पे 23 का स्क्वायर फिर यहाँ पे 17 का स्क्वायर। देखिए आपको 30 तक का वर्ग याद करना होगा, ठीक है, जरूरी है, काम देगा आपको, एक से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद आना चाहिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर याद आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 को 2 बार लिखेंगे, 1 बार और 2 बार तो 9 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 4 को 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार कितना हो जाएगा, 16, ऐसे करके कम से कम 30 तक, आप इसे भी ज्यादा याद कर लीजिएगा और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम की बात मैंने किया, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए 23 है, देखिए मुझे याद है, मुझे 23 का स्क्वायर आराम से याद है, तो मैं डायरेक्ट दे दूंगा क्या चीज, 23 का स्क्वायर 529 दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग करो, देखो 23 का स्क्वायर 2 बार लिखो, तो 23 को 2 बार लिखो, 1 बार और 2 बार, बात समझ ना, 23 को 2 बार लिखिए,
तो 23 को 23 से गुना कीजिए, 23 को 23 से गुना कीजिए, कैसे हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दुना 6, हो गया ना 31 हो गया, फिर 3 दुना 6, ठीक है, फिर 2 दुना 4 एक, नहीं 3 दुना 6, 2 दुना 4 नौ होगा 4, तो 9, 6 6 12, 4 5, 529 हो जाएगा, 529, माने 17 को 17 को उसका करेंगे 289, हमको याद है, देखिए हम तुरंत तुरंत मतलब लिख रहे हैं, पास है ना, आपको आपको मान लीजिए नहीं याद रहेगा ना, तो आपको पेन को पे चलाइएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, बात समझे ना, यानी कि 23 का स्क्वायर आप उतना जो कीजिएगा 23 का स्क्वायर ऐसे करके 23 को 23 से फिर गुना कीजिएगा तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा, इसमें टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, तो आपको अगर याद याद रहेगा एक से लेकर कम से कम 30 तक आप डायरेक्ट बना दीजिएगा 23 का स्क्वायर 529 माइनस माइनस 17 का स्क्वायर 289, देखिए तुरंत बन गया, नहीं तो आप फिर गुना कीजिएगा 17 को 17 से ऐसे करके गुना कीजिएगा तब टाइम खाएगा आपको, टाइम कंज्यूम होगा, मतलब टाइम कंज्यूम होगा कहते हैं, वो तो होगा बचाना, मतलब टाइम ज्यादा होगा, टाइम लैप्स होगा, ठीक है, कंज्यूम तो हो गया बचाना, मतलब कंज्यूम कब होगा, बचेगा कब, जब आप एक से लेकर 30 तक को रट्टा मार लीजिएगा एकदम अच्छा से लर्न कर लीजिएगा तब कंज्यूम होगा, नहीं तो अगर ऐसे करके कीजिएगा तब आपको टाइम टेकन होगा, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6x, अब देखिए 529 में से 289 जाएगा, तो ये भी थोड़ा इससे थोड़ा भारी है, समझ में आता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है, घटा के देख सकते हैं आप, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी था, इसलिए लाखों करोड़ मिलेगा तब ना पेन चलाएंगे, ये सब इजी है, ठीक है, आपको अगर नहीं आता है तो आप पेन चलाइए, तो इसको ऐसे करके घटाइए, कितना हो जाएगा, 909 हो गया, तो 0, तो 909 तो चला गया, ये तो इसको पहचाने दिया ना, तो 2 ही बचा, 2 में 7 नहीं जाएगा, देखा इसको 12 में 7, 9, 10, 11, 12, 4 हो गया, 4 तो ई दिया इसको, तो कितना बचा, 4, 4 में 7 हो गया, तो 240, तो यहाँ 240 सीखता है, तो एक्स का मान निकालेंगे, ये कहाँ गया, मतलब ऊपर जाएगा ये ऐसे करके, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो कर गया 6, 6, 24, ई 0 चिपका दीजिए, आप छोटा छोटा भी काट सकते हो, दूसरा भी काट सकते हो, ठीक है, तो 40 हो गया, और दूसरी का और क्या हो गया, आंसर हो गया, आप छोटा छोटा स्टेप में भी काट सकते हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या किया, 6 में 6 को 240 से भाग दे दिया, ठीक है, यानी कि 240 मतलब ये जो है ना ऊपर का यहाँ पे उतरता है, नीचे का यहाँ पे उतरता है, 6, 6, 24 डिवाइड कर दिया करने का मतलब 40 हो गया, तो हो गया आंसर, ठीक है, खत्म।